नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद एक बार देख लेते हैं, हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? लमही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद को किसके नाम से जाना जाता है? कलम के सिपाही के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। उर्दू में जब ये लिखा करते थे तो किसके नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। कहने का मतलब है, प्रेमचंद ने जो अपना जो साहित्य जो लिखा है हिंदी का, उसमें किसानों की वेदना को उभारा है, दलितों की वेदना को समाज में ला करके खड़ा किया है कि दलितों के साथ किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, नारियों के साथ जो अत्याचार किए जाते हैं उसकी वेदना को इस समाज में ला करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्ण व्यवस्था को भी हमारे सामने ला करके उन्होंने इन सभी जो कुरूतियां हैं, या किसानों का शोषण की बात हो, या नारियों के शोषण की बात हो, या वर्ण व्यवस्था के कारण किसी को शोषित वर्ग की बात हो, तो इन सभी कुरूतियों का मार्मिक चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इन्होंने यही नहीं, हिंदी के बारे में ही नहीं लिखा है, इन्होंने देश के बारे में भी लिखा है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य भी इन्होंने लिखे हैं। उनकी भाषा जो है सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका विशेष योगदान। प्रेमचंद जी का जो पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन था, जो 1908 में प्रकाशित हुआ था, ये हमारा राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत था। सोजे वतन जो था, तो इस सोजे वतन का अर्थ है देश का दर्द। हमारी जो देश की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को इन्होंने सोजे वतन कहानी संग्रह में लिखा था। तो इस बात से अंग्रेजों ने इस पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदल कर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह है इनका मानसरोवर। कहानी संग्रह है और एक बार देख लीजिए, कहानी संग्रह इनका मानसरोवर है जिसके 8 भाग हैं। उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है और इनके जो उपन्यास है इतनी बेजोड़ है, इतनी मार्मिक है कि और किसी राइटर के इतने अच्छे उपन्यास नहीं मिलते हैं। इसी कारण इनको उपन्यास सम्राट कहा था शरत चंद्र जी ने। इनके प्रमुख उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्म भूमि, गोदान, गबन। नाटक है करबला और संग्राम। पत्रिकाएं हैं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं जो प्रेमचंद
प्रश्न जो आता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिखते हैं। तो प्रेमचंद जी के बारे में लिखते हैं। प्रेमचंद को हिंदी जगत में कलम के सिपाही, कलम के सिपाही, कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी को हिंदी जगत में किसके नाम से जाना जाता है? कलम के सिपाही नाम से जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। एक बार देख लीजिए दोस्तों, प्रेमचंद जी को हिंदी जगत में किसके नाम से जानते थे? कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी के किस गांव में हुआ था? लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम था दोस्तों धनपतराय। क्या था? धनपतराय। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में जो लेखन कार्य करते थे तो वो किसके नाम से करते थे? नवाब राय नाम से करते थे। उपन्यास क्षेत्र में इनका विशेष योगदान, उपन्यास के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान था। इसी कारण शरद जी ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा था। एक बार यहाँ तक देखते हैं दोस्तों, प्रेमचंद को हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उर्दू में
नवाब राय नाम से लिखते हैं, लिखते थे, सॉरी। उपन्यास क्षेत्र में इनका विशेष योगदान था, इसी कारण शरद चंद्र जी ने इनको क्या कहा था, उपन्यास सम्राट नामक उपाधि से नवाजा था, उपन्यास सम्राट इनको कहा था। और ये बात सत्य भी है कि उपन्यास के क्षेत्र में जितना मार्मिक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, इतने अच्छे उपन्यास किसी और राइटर या और लेखक ने नहीं लिखे। दोस्तों प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों दलितों किसानों दलितों नारी की वेदना, नारियों की वेदना, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि का मार्मिक चित्रण किया, मार्मिक चित्रण किया है। देखिए दोस्तों, इनके जो प्रमुख जो कथा वस्तु है, चाहे वो उपन्यासों की हो या किसी कहानी की हो, उसमें इन्होंने जो इनका जो प्रमुख जो कथा वस्तु जो किसके इर्द गिर्द घूमी है, या तो किसानों की दुर्दशा, किसानों की स्थिति, किसानों के बारे में है, या दलितों के बारे में है, या नारियों की वेदना के बारे में है, या फिर वर्ण व्यवस्था नामक कुरीति पर आधारित है। इसका चित्रण इन्होंने किया है कि समाज में इनका किस प्रकार शोषण किया जाता है, किस प्रकार इन सभी के साथ अत्याचार किया जाता है। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सूर्य वतन 1908 में प्रकाशित हुआ, 1908 में प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हुआ जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, तो कहानी संग्रह था, जो प्रथम कहानी संग्रह था मुंशी प्रेमचंद जी का सूर्य वतन, वो 1908 में प्रकाशित हुआ। ये राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत था, इस कारण अंग्रेज सरकार ने इस पर क्या लगा दी थी, आगे चल करके रोक लगा दी थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? सूर्य वतन के प्रकाशन पर। ठीक है दोस्तों, इनकी संपूर्ण कहानियां, संपूर्ण कहानियां
मान सरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। आठ खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी जो संपूर्ण कहानियां थी वो एक कहानी संग्रह था मानसरोवर, जिसके टोटल खंड कितने थे? 8 खंड थे, उसमें प्रकाशित हुई थी। देखो आगे देखते हैं इनकी प्रमुख काव्य कृतियां। कहानी संग्रह के बारे में तो लिख ही दिया, इसमें सब छोड़ो। उपन्यास उपन्यास निर्मला, ये अनमेल जगह पर आधारित है। पहले ये कक्षा 12th में चला करता था, श्रीवास अदानी प्रेम आश्रम, प्रेम आश्रम रंगभूमि कायाकल्प, रंगभूमि गोदान आदि नाटक नाटक सर्वला संग्राम। पत्रिकाएं भी इन्होंने, अब दोस्तों यहां मैंने कहानी संग्रह नहीं लिखा है क्योंकि वो भाषा में मैंने लिखा दिया था, इसलिए यहां नहीं लिखा है। बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। हंस, जागरण, माधुरी, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं। तो इन्होंने उपन्यास लिखे निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान आदि नाटक है, करवला और संग्राम पत्रिकाएं, हंस, जागरण, माधुरी। ठीक है दोस्तों, ये आपका मुंशी प्रेमचंद का परिचय था। धन्यवाद।